बेटे आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 एकता में बल पढ़ने जा रहे हैं। बेटे मैंने आपको पहले इसकी रीडिंग करवाई थी, आज हम इसे दोबारा शुरू कर रहे हैं। ओके स्टार्ट रीडिंग। ओ स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी रीडर बुक चैप्टर नंबर 6 एकता में बल। किसी जंगल में बरगद के विशाल पेड़ पर अनेक कबूतर रहते थे। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। एक जगह जंगल में उन्होंने जमीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे। दाने देखते ही सभी कबूतर खुश होकर बोले, वाह एक साथ इतने दाने, चलो खाएं। लेकिन उनके सरदार बूढ़े कबूतर ने कहा, जरा सोचो इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन नौजवान कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया और जमीन पर उतर कर दाने चुगने लगे। बूढ़ा कबूतर बहुत दुखी हुआ। वह पास के एक पेड़ पर बैठ गया। पेट भरकर दाने चुगने के बाद कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे पर उड़ नहीं पाए। क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। सभी कबूतर घबरा गए और जोर जोर से गुटरगु गुटरगु करने लगे। तब बूढ़ा कबूतर बोला, चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई आ जाएगा। सभी कबूतर बोले, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो। तभी उन्होंने देखा कि एक भेड़िया भागता भागता आ रहा है। वे घबरा गए परंतु बेटे आज हमने क्या पढ़ा, कबूतर वाला लेसन है ना। तो बेटे इसमें क्या है, एक बूढ़ा कबूतर है और बाकी सभी नौजवान कबूतर। इसमें क्या है बेटा, बूढ़ा कबूतर सभी को दाने चुगने के से मना करता है, लेकिन जो जवान कबूतर हैं वो उसकी बात को नहीं मानते। आए अब देखें अब उसके साथ क्या हुआ। अब नेक्स्ट पेज ओपन। बूढ़े कबूतर ने साहस नहीं छोड़ा। वह बोला, घबराओ मत, एक साथ जोर लगाओ और जाल के साथ उड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। सबने मिलकर जोर लगाया और जाल को अपने साथ उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ते रहे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा और बोला, तुम सब यही बैठो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में बूढ़ा कबूतर अपने मित्र एक चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास आ पहुंचा। चूहे ने नुकीले दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों के प्राण बचा लिए। सभी कबूतरों ने चूहे का धन्यवाद दिया और आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। तो बेटे आपने इससे क्या शिक्षा प्राप्त की, देखो इसमें कबूतरों की बात कही गई है। कबूतर नौजवान कबूतर है और एक उसमें सबसे अच्छा क्या है, बूढ़ा कबूतर जो सियानप रखता है। जो जवान कबूतर है वो बूढ़े कबूतर की बात को नहीं मानते, वो बूढ़े कबूतर के समझा
खाने के बाद भी दाने चुगने के लिए धरती पर चले जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। इतनी मुश्किल होने के बाद भी बूढ़े कबूतर ने उन्हें साहस ना छोड़ने के लिए कहा और उसने कहा कि अब कुछ घबराओ मत और चिल्लाओ भी ना, है ना, और आप चुप होकर एक साथ जोर लगाओ और जाल को अपने साथ लेकर उड़ चलो। और उन कबूतरों ने क्या किया, उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात को माना और बूढ़ा कबूतर उन्हें एक चूहे के पास ले गया और चूहे ने उनका जाल काट दिया और वो आजाद हो गए। और आजाद होने के बाद उन्होंने चूहे को धन्यवाद कहा और आगे से बूढ़े कबूतर से उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि अगर उनकी वो बात मान लेती तो शायद वो आज जाल में नहीं फंसते। तो बेटे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनों से बड़ों की बात को मानना चाहिए, उनकी कही हुई बात का आदर करना चाहिए। धन्यवाद।